हेलो चिल्ड्रंस, आज हम क्लास वन इंग्लिश सब्जेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर वन है द मैंगो ट्री। मैंने इसके बारे में पहले की वीडियो में कुछ रीड भी स्टोरी भी रीड कराई थी। आइए हम फिर से रीड कराते हैं। द मैंगो ट्री, आम का पेड़। आम के पेड़ के बारे में यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स दिए थे। लुक एट, ग्रैंडफादर हैज मेड फॉर हर मैंगो पार्टी। ग्रैंड मदर जो है मैंगो पार्टी दे रही हैं। वहाँ पर बहुत सारे मैंगो का आइटम्स भी बने हैं। आपको यहाँ जो टेबल पर जितने भी आइटम्स नज़र आ रहे हैं और नंबर भी साथ में है, उस नंबर को यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में है जैम, जैम। जैम आप देखेंगे कि किस नंबर पे है। तो यहाँ जैम 4 नंबर पे नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ जैम पास 4 नंबर लिखेंगे, यहाँ 4 नंबर लिख देंगे। इसी तरह बाकी और को भी कंप्लीट करना है। आइए उसके आगे हमने आपको स्टोरी भी बताई थी, चलिए फिर से उसके बारे में समझा दे रहे हैं। वाशु, अमीर, पायल एंड लीला आर प्लेइंग अंडर अ मैंगो ट्री। वाशु, अमीर, पायल और लीला एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। और आपस में ये लोग आपस में क्या कह रहे हैं, व्हाट फॉर इट इज प्ले हियर, यहाँ पर खेलने में कितना मज़ा आ रहा है। तो दूसरा कह रहा है यस इट इज़ वेरी कूल हेयर, यहाँ पर बहुत ठंडी भी लग रही है, मतलब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और आपस में टॉकिंग भी कर रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, एक कहता है डू यू सी अ नेस्ट, थिंक देयर आर वेरी बर्ड्स इन इट, क्या तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक घोंसला भी है और जिसमें एक छोटा बेबी बर्ड भी है। और दूसरे कहते हैं कि हाँ मैं उसकी आवाज़ भी सुन रही हूँ। और अचानक से एक आम का पेड़ नीचे गिरने लगता है और बाकी सभी लोग आम को चूज करने लगते हैं और साथ में भारी वर्षा भी होने लगती है। लेकिन वो बच्चे भींगते नहीं हैं। क्यों नहीं भींगते हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ा सा ग्रीन कलर का अम्ब्रेला है। वो ग्रीन कलर का अम्ब्रेला क्या होता है, वो मैंगो का ट्री होता है जो उसके पत्तियों से शाखाओं से उनके तक पानी नहीं पहुंच रहा है। मतलब वो पानी से भी बचाता है, छाया देता है अच्छे और मीठे मीठे फल भी देता है। और उनके छाया में बैठने पे हमें ठंडी ठंडी आराम भी मिलती है। आइए उसके आगे और रीड करते हैं। पायल एंड लीला एंजॉय द जूसी मैंगो जूस। वंस अगेन, पायल एंड लीला एंजॉय द जूसी मैंगोज। पाए अब वो लोग घर आ जाते हैं तो पायल और लीला जो है मैंगोज, जूसी मैंगो का एंजॉय कर रही होती है, मतलब मीठे मीठे आम खा रहे हैं और आपस में भी कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, ओह सच स्वीट मैंगोज, वाओ कितना मीठा आम है। उसा बोलती है यस हाँ। तभी यहाँ पे दादी जी कुछ कह रही हैं, योर ग्रैंडफादर प्लांटेड दैट ट्री, तुम्हारे दादाजी ने उस पेड़ को लगाया है। दादी कहती है कि तुम्हारे दादाजी ने उस पेड़ को लगाया है। और क्या कहती है, आई रिमेम्बर आई हेल्प इन। तो ये दादी जो है, दादी हैं, वो कहती हैं कि आई रिमेम्बर आई हेल्प हिम, मुझे याद है कि मैंने उनके पेड़ लगाने में उनकी हेल्प की थी। मैंने उनकी उनके साथ पेड़ लगाने में मैं भी उनकी हेल्प की थी। द चिल्ड्रेन वॉन्ट टू प्लांट, बच्चे भी हैं जो पेड़ लगाना चाहते हैं। The children want to plant a tree. बच्चे भी पेड़ आम के पेड़ों को देखकर, उसके अच्छी अच्छी चीज़ों को देखकर उनको भी मन करता है कि हम भी पेड़
लगाएं और अपने फादर से कहते हैं, डैडी वी टू वांट टू प्लांट अ ट्री। वंस अगेन, डैडी वी टू वांट, हम भी चाहते हैं टू प्लांट अ ट्री, एक हम पेड़ लगाना। वो बच्चे कह रहे हैं कि डैडी मैं भी पेड़ लगाना चाहता हूँ। इट विल गिव अस फ्रूट्स, वह हमें फ्रूट्स देता है। और क्या देता है? इट विल गिव अस सेड, इट विल गिव अस सेड, वह हमें छाया भी देता है। वह हमें छाया भी देगा, वह हमें फ्रूट्स भी देगा। इट विल गिव अस फ्रूट्स, वह हमें फ्रूट्स भी देगा। और इट विल गिव अस सेड, वह हमें छाया भी देगा। इट विल बी अ होम फॉर बर्ड्स एंड स्क्वायरल, इट विल बी अ होम फॉर बर्ड्स एंड स्क्वायरल, और वहाँ पर पक्षियों और गिलहरियों के घर भी होंगे। उस पर, उस पेड़ पर पक्षियों के और गिलहरियों के लिए घर भी होंगे। तो उसके फादर कहते हैं, ओके हेयर वी गो। फिर क्या कहते हैं उसके फादर? ओके ठीक है, हेयर वी गो, चलो यहाँ हम लोग जाते हैं। डिग अ, डी आई जे डिग मतलब गड्ढा खोदना, अ होल, एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं। प्लांट अ मैंगो सीड इन इट, उन्होंने एक आम के पेड़, आम के बीज को लाया और उसमें डाला। वाटर द प्लांट एंड टेक केयर ऑफ इट, और उसमें पानी डाला और उनका हमेशा ख्याल रखने लगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि बच्चे आम के पेड़ों से बहुत इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ उनको खेलना भी अच्छा लग रहा है, उनके नीचे बैठकर ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेना भी अच्छा लग रहा है, उनके मीठे फलों को भी खाना उनको बहुत अच्छा लग रहा है, और उनके इतने अच्छे अच्छे चीज़ों को देखकर, उनके अच्छे गुणों को देखकर वो भी चाहते हैं कि वो हम भी पेड़ लगाएं और हम भी उनसे मज़ा लें। तो इस आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आज का होमवर्क है आप लोग का कि आप इसको अच्छे से रीड करें और हार्ड वर्ड्स मीनिंग को ज़रूर लिखें।